ये बहुत ही सारे सबके पास बुक है, पिछले सेमेस्टर में मैं देख चुका हुआ हूँ। तो जनाब, माइक्रोटोमी क्या होता है? ये माइक्रोटोमी इज द प्रोडक्शन ऑफ थिन सेक्शन 1 to 5 माइक्रोन इन थिकनेस फ्रॉम पैराफिन बेस्ट एम्बेडेड टिश्यू ब्लॉक। तो माइक्रोटोमी उस टेक्निक को कहते हैं जिसमें हम हमारे पास टिश्यू ब्लॉक्स होते हैं जो कि पैराफिन में अक्सर होते हैं, वैसे दूसरी भी चीजें यूज हो सकती हैं, वो हम इम्बेडिंग में पड़ चुके हुए हैं। तो उनसे तकरीबन 1 to 5 माइक्रोन थिकनेस से हम टिश्यू सेक्शन कट किया करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितने माइक्रोन का कलेक्ट किया हुआ है, वो आपने जो भी कलेक्ट कर रखा है, चाहे 1, 2, 3, 4, 5 या 0.1 कुछ ऐसा भी। तो दिस प्रोसेस यूटिलाइजेज ए माइक्रोटोम इन कंजक्शन विद ए माइक्रोटोम नाल का डिस्पोजेबल माइक्रोटोम ब्लेड आर ब्लेड हो गया। तो इसमें क्या होता है कि ना, एक मशीन होती है जो कि माइक्रोटोमी के लिए यूज होती है। वो क्या करेगी, वो टिश्यू के सेक्शन को होल्ड करेगी, टिश्यू के सेक्शन को ऊपर नीचे वो स्ट्रोकिंग कराएगी ताकि वो नाइफ के साथ कट हो सके। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आपके खुदने से इफेक्ट भी हुई है, उस हिसाब से वो आगे भी बढ़ाएगी टिश्यू ब्लॉक को। और फिर उसमें ना नाइफ होते हैं या ब्लेड होते हैं, वो वैसे वाले ब्लेड भी होते हैं फिक्स जो उसमें लगे हुए हैं, और डिस्पोजेबल भी होते हैं। देखिए, आपने एक दफा यूज किया और फिर नया ब्लेड लगा दिया। अच्छा, फिर माइक्रोटोम्स आर ऑफ द रोटरी आर बेस ब्लेड वैरायटी एंड आर कमर्शियली अवेलेबल फ्रॉम ए लार्ज नंबर। तो वो कहता है कि माइक्रोटोम की दो टाइप होती है, एक होती है रोटरी जो सिलाई मशीन की तरह होती है, या टेबल पर रखी हुई है, आप उसको एक साथ होती, वो जो क्या हैंडल है उसको रोटेट कर रहे हो तो आगे वो जो ब्लॉक फिक्सिंग वाली है फंदी है वो ऊपर नीचे हो भी रही है, थोड़ी थोड़ी आगे भी बढ़ रही है, तो वो आगे उसको नाइफ लगी है वो वहां से कट हो रहा है। और एक होती है बेस लाइन माइक्रोटोम, तो उसमें क्या होता है, वो स्क्रीन की तरह होता है, या उससे भी बेस्ट एग्जाम्पल जो तो वो रंधा मशीन की तरह है। उसमें क्या है कि सेक्शन नीचे रखा हुआ है टिश्यू का, और उसके ऊपर से आपने पुल एंड पुश आगे पीछे करके वो मशीन फेरते हो, तो उस मशीन के साथ नाइफ आगे पीछे उसके सेक्शन के साथ रगड़ खा के उसका एक सेक्शन कट किया करती है। तो वो बेस लाइन माइक्रोटोम होती है, और वो हर तरह के सेक्शन कट करने के लिए यूज होती होती है, लेकिन वो मेनली हार्ड टिश्यूज जैसे बोन के सेक्शन कट करने के लिए यूज की जाती है। फिर जनाब है, द माइक्रोटोम नाइफ हैज लार्जली बीन सुपरसीडेड इन रूटीन। अच्छा, तो वो कहता है कि जो माइक्रोटोम की नाइफ है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जो हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट वाले हैं वो फिक्स की बजाय ना अब डिस्पोजेबल यूज करने लग गए, कि मतलब वो वहां प्लेस करो, सेक्शन कट करो, फिर वहां से हटा के डिस्कार्ड कर दो अगले सैंपल के लिए, या थोड़े कुछ और बायोप्सियों के लिए, टिश्यू टिश्यू ब्लॉक के लिए, नई वाली उनको डिस्पोजेबल अब आने लग गई है। उनके साथ प्लास्टिक भी थोड़ी सी लगी होती है उसको फिक्स करने के लिए, ताकि आप छाप बोन से इंजरी उंजरी से भी बच सको लगाते वक्त। तो इस तरह से दुनिया अब जाने लग गई है, क्योंकि ये तो ना वो इंफेक्शन कंट्रोल सोसाइटी जो होती है ना, वो भी इस चीज को कहती है कि ना कितना हो सके डिस्पोजेबल चीजों से आए। और फिर जनाब माइक्रोटोम, अच्छा हाँ, माइक्रोटोम नाइफ नीड टू बी स्पेशली शार्पन आदर मैनुअली मैनुअली आर बाय मशीन। तो इसकी डिटेल से हम आएंगे कि वो नाइफ कैसे है। ये आप लोगों के लिए तो अभी तक कुछ भी नया नहीं आ रहा, मैंने पिछले सेमेस्टर में ये सब कुछ डीप में पढ़ा दिया था। तो अब भी यही ऑटोमेशन और नई टेक्निक सिस्टम में हमने पढ़ लिया इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो अब भी यही है। तो वो नाइफ काफी वैरायटीज की होती है, वो प्रोफाइल ए, प्रोफाइल बी, प्रोफाइल सी, डी इस तरह के, तो वो उनकी बनावट कैसे होती है। कुछ जो है वो सॉफ्ट टिश्यू कटिंग के लिए होती है, कुछ हार्ड की कटिंग के लिए होती है, कुछ बारीक सेक्शन कट करने के लिए, कुछ थोड़े थिक सेक्शन कट करने के लिए बनी हुई होती है। तो वो कहता है कि ना, ये डिफरेंट मशीन है, टाइप की वो नाइफ अवेलेबल है जो मैनुअली भी, जो पहले जिनके अंदर ना थिकनेस को भी कंट्रोल करते थे और ऑटो पे थोड़ा थोड़ा खुद ही बढ़ाते थे सेक्शन को आगे, और खुद ही उसको रोटेट करते थे, इस टाइप के माइक्रोटोम थे। और अब जो है जिनके अंदर
सब कुछ पैक कर जाता है, मोटरें लगी होती हैं या वो आगे टिश्यू के सेक्शन को वो टिश्यू ब्लॉक को खुद बढ़ाती हैं, उनमें भी वाली सारी मशीन डिफरेंट किस्म की लाइफ यूज होने लग गई है। फिर जनाब है अच्छा दिस टाइम एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा तो वो कहता है कि ना इसमें पैथोलॉजी जो के अंदर जो माइक्रोटोम है ना ओवरऑल या माइक्रोटोमिक प्रोसेस है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। वो टाइम कंज्यूमिंग क्यों है कि एक तो आपने जब एक ब्लॉक लेना होता है एक वक्त में तो उसको पहले आप क्लीन करते हो, उसके सर्फेस को क्लीन करते हो और काफ़ी सारे एक्स्ट्रा सेक्शन कट करके फिर आप बड़े एहतियात से सेक्शन कट करते हो और उनको फिर साथ वाटर बाथ पड़ा होता है उसमें डालते हो किस नारे पे डालते। तो इस तरह एक सैंपल से दस पाँच छः दो तीन डिफरेंट तादाद होती है वो नंबर्स होते हैं। एक तो आपको उतने सैंपल के साथ यही प्रोसीजर करना पड़ता है और फिर दूसरा कितने दिन में सैंपल आए हुए हैं तो उन सबके साथ ही काफ़ी माइक्रोटोमी टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ी एक्सपर्टीज चाहिए थी। तो वो बंदा ना काफ़ी हाई स्पीड हो, उसको पता हो कि अब प्रॉपर टिश्यू कहाँ क्लीनिंग के बाद आ गया है और फिर वो बड़ी एहतियात से अच्छे अच्छे ब्लेड यूज करके तो उसके अंदर स्क्रैचेज नहीं हो, उसके अंदर वेव्स नहीं बनी हुई हो। जैसे बाद अपना वो कपड़े भी ख़राब होते हैं, फैक्ट्रियाँ बनाती हैं और बीच में कोई मशीन में फॉल्ट आ जाए तो वो एक जगह से लगेगा कि कोई उसमें वो बनी निशान आ रहा है, कुछ धागा हुआ मोटा डला हुआ या वहाँ धागे कम डले हुए काफ़ी तरह की। तो वो जहाँ ब्लेड ख़राब होगा तो वो जैसे खबर वो जो पंजाबी में खुद भी छुरी नहीं बोलते, अगर छुरी जरा तेज ना हो और उसमें हम आलू के सेक्शन कट करें तो उसमें आलू में वो निशान पड़े हुए होते हैं। समझ रहे हो खबर? जी सर समझ रहे हैं। हाँ इसी तरह भाई अगर ये जो ब्लेड है उसके अंदर भी वो थोड़ा ब्लेड रफ होगा या वो थोड़ा खुद्दा हो रहा है या बार बार टिश्यू कट होने से तो वो जो सेक्शन होंगे ना माइक्रोस्कोप के लिए कट रहे उनमें भी वो ना निशान आते रहेंगे। तो वो भैया इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि वो ट्रिमिंग को स्टार्ट के ब्लेड से कर ले, लेकिन इसमें भी अच्छे वाले से करने चाहिए, इसमें गंदे को कोई नहीं यूज करेगा इसको में। लेकिन जब सेक्शन कट होने चाहिए तो बिल्कुल छाप वाली बेहतरीन जैसे उनकी नाइफ यूज कर लो। तो इस वजह से जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है माइक्रोसोमिक। अब हम माइक्रोसोम की मेडिसिन चार्ज करते हैं। ये माइक्रोसोम आप जानते हो ये है रोटरी माइक्रोसोम। इसमें क्या होता है कि ना रोटरी माइक्रोसोम में ये जनरल पर्पज ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में एक साल के ऊपर वो हैंडल है स्टीयरिंग मशीन की तरह, वो आप घुमाते हो जितना रोटेट जल्दी करोगे उतना आगे ब्लॉक ऊपर नीचे तेजी से होगा और वो थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा और सक्षम ज्यादा कर दोगे, और जितना उसको स्लो स्लो मूव कराओगे तो वो उतना वो जो टिश्यू ब्लॉक है वो ऊपर नीचे कम होगा और सक्षम भी कम कर दोगे और वो आगे आगे एडवांसमेंट भी कम होगी। तो मतलब ये बात कोई इतनी लॉजिकल नहीं है, ये सेम वैसे ही है जैसे सिलाई मशीन। अगर वो एक बंदा हाथ से सिलाई कर रहा हो तो वो कम कपड़े सी पाता है, वो मशीन की सुई कम ऊपर नीचे होती है, और अगर एक साथ मोटर लगी हो तो वो दर्जी ज्यादा कपड़े सी पाता है तो वो जल्दी जल्दी मामला हो जाता है, क्योंकि वैसे ही है इसकी एडवांसमेंट भी वैसे ही है। ऐसे सिलाई मशीन में भी वो नीचे ना कुछ ऐसी चीजें बनी हुई होती है कि वो कपड़े को पीछे की तरफ से धकेलती है, तो इसमें भी वो चीज़ें कुछ मटेरियल वो असेंबली जैसी लगी हुई होती है मैकेनिकल पार्ट से, वो चीज़ को थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ाते रहते कट भी करते रहते हैं आगे भी बढ़ाते रहते हैं। तो जनाब अब द मैनुअल रोटेशन ऑफ द लैटरल माउंटेड व्हील कॉज़ द एडवांस मैकेनिज्म टू मूव द ब्लॉक होल्डर टुवर्ड रिजिडली माउंटेड नाइफ एट द थिकनेस ऑफ कट। तो वो कहता है कि जब आप ना साथ वाले हैंडल को रोटेट करवाते हो तो एक फिक्स थिकनेस के हिसाब से जो आपने सेट की होती है ना वो टिश्यू आगे बढ़ता है और एक रिजिडली जो कि बहुत ही अच्छे वाले मजबूती से ना नाइफ आगे सेट की हुई है ना उसके साथ अगर साथ टिश्यू कट होते हैं, अगर वो सही से नहीं रिजिडली वो फिक्स की हुई होगी
तो वाइब्रेशन जो आप मशीन चला रहे हो उस वक्त माइक्रोटोन की, तो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे बेल्ट से वाइब्रेशन से, तो वो क्या होगा वो टिश्यू के अंदर उसके फ्लाट मुस्तकिल के अंदर फ्लाट आएंगे, वो सही से उसके अंदर वेव से बनी हुई होंगी, वो सही से कट नहीं होगा। द ब्लॉक मूव अप एंड डाउन इन द लाइफ इन वर्टिकल प्लेन विद द प्रोडक्शन ऑफ फ्लैट सेक्शन ऑन द डाउनवर्ड टू। तो वो कहता है कि जब ना हम वो मशीन को ऑपरेट करते हैं अप एंड डाउन मूवमेंट में ऊपर नीचे होके वो क्या है फिर वैसे जैसे वो स्विंग मशीन का वो जो एक नोब की बाहर की तरफ लगे थे जो धागे को खींचती है ऊपर नीचे होते तो ऐसे ही ऊपर नीचे होगा, और जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो हमेशा आगे जो लाइट लगी है उसके साथ लगर खा के कट जाया करेगा। अगर स्पीड ऑफ ब्लॉक अगेंस्ट द लाइट इज कंट्रोल्ड बाय द वेट एट विच द हेड विल रोटेट, तो वही जितना तेजी से घुमा दो उसमें लगा सेक्शन कट हो गए। अच्छा हैवी ड्यूटी मोटराइज्ड रोटरी मैग्नेटोमर आल्सो वेबर फॉर वन सेकंड। तो वो कहता है कि ना ये तो हो गया बिल्कुल मैनुअल था कि सिंपल सा बात होता है, वो कहता हैवी ड्यूटी जो भारी भरकम होते हैं क्योंकि उनके अंदर वाइब्रेशन का इतना असर ना किसी के ऊपर है, तो वो थोड़ा सा जानबूझ के उन मशीन को भारी भरकम बनाया जाता है वो वाइब्रेशन को एलिमिनेट कर दो। तो ऐसे क्या है कि माइक्रोटोन भी अवेलेबल है प्लस हाथ से चलाने की भी जो है उनके अंदर मोटर लगी हुई होती है, तो वो आपको हार्ड टिश्यू की भी ट्रेसिंग में हेल्प हो जाती है और ऑटोमेटिकली आप उसकी स्पीड और थिकनेस को कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे भी मौजूद है। अच्छा तो द सेक्शन थिकनेस रेंज ऑफ दिस माइक्रोटोन इज यूजुअली 0.5 to 60 माइक्रोमीटर। तो ये जो इस तरह के हैवी ड्यूटी और फुली ऑटोमेटेड माइक्रोटोन मार्केट में है तो वो बहुत बारीक 1 से भी नीचे 0.5 माइक्रोन और मैक्सिमम 60 माइक्रोन को भी थिकनेस के सेक्शन कट कर सकते हैं। अब जनाब है बेस लेज माइक्रोटोन, तो ये क्या होता है चैनल बेस लेज माइक्रोटोन में ना ये गंदा मशीन की तरह है, रोटरी के अंदर ऊपर नीचे ब्लॉक हो रहा है, यहाँ पे ओरिट है, यहाँ पे ब्लॉक फिक्स होगा और उसके आगे पीछे नाइफ मूव करेगी और सेक्शन कट करेगी। तो आर दो बेस्ट सूटेड फॉर द कटिंग ऑफ हार्ड टिश्यू, मतलब वो कहता है कि ये ज्यादातर वहां यूज होता है जहाँ हार्ड टिश्यूज को की सेक्शनिंग करनी हो, तो बेस लेज माइक्रोटोन है वैसे जैसे गंदा मशीन आगे पीछे की और जो उसके नीचे लकड़ी लगी हुई है वो क्या हुआ तो वो छिलती जा रही है, ऐसे जो नीचे सेक्शन लगा हुआ उसके ऊपर से सेक्शन टिश्यू ब्लॉक लगा उसके ऊपर से सेक्शन कट होते रहेंगे। द हैवी कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मशीन मीन दैट दे डू नॉट कम इजीली टू वाइब्रेशन एंड द नाइफ क्लैंप कैन बी एंगल्ड अवे फ्रॉम द सेक्शन ऑफ कट विच इज इन सेक्शनिंग हार्ड टिश्यू। तो इसका यह है कि ये थोड़ी हैवी ड्यूटी होती है तो इससे वाइब्रेशन का काम करने के दौरान कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और टिश्यू बड़े जबरदस्त कट होते हैं। द ब्लॉक होल्डर इज माउंटेड इन टू पैरेलल रनर्स एंड द ब्लॉक होल्डर वाज बाय अदर एलिमेंट्स। तो वो कहता है कि जो ब्लॉक होता है ना या जिसने टिश्यू ब्लॉक को पकड़ना है उसको कहते हैं ब्लॉक होल्डर, वो पैरेलल रनर इस मशीन के दो हिस्से हैं एक नीचे और एक ऊपर, तो वो निचले वाले हिस्से में उसको फिक्स किया हुआ होता है और ऊपर वाला रनर उसके ऊपर आगे पीछे पुल एंड पुश करके हम रोटेट करते हैं तो वो सेक्शन कट होते जाते हैं। द ब्लॉक इज फास्टेस्ट टुवर्ड्स एंड बैकवर्ड अगेंस्ट द नाइफ यूजिंग ए पुल एंड पुश मोशन, सेक्शन जाकर 3 to 5 माइक्रोमीटर फॉर हिस्टोपैथोलॉजी। तो नाइफ के बारे में पढ़ेंगे फिर, अब मैं आप लोगों को इसकी दोनों टाइप की वीडियो सिखाता हूँ। ये है जनाब बेस लेज माइक्रोटोन, देखिए इसके नीचे एक और उसके ऊपर वो आगे पीछे होने वाला रनर, दो रनर हो गए, दो पार और एक साथ हैंडल है जिसको पकड़ के पुल एंड पुश करोगे और इसमें ऊपर लाइट फैटी हुई है
और ये एक एंगल बना हुआ है और ये नाइफ मूव कर रही है वहां पे रोटी बिना नाइफ चटक थी और नीचे वो जो टिश्यू होल्डर है वो फिट हुआ हुआ है। तो ये जो जूस हो रही है मशीन ये तो फुली ऑटोमेटेड है, ये टिश्यू को ऊपर टिश्यू जो ब्लॉक है उसको फास्ट टेक्निक के हिसाब से ऊपर खुद ब खुद कट करती रहे वो बढ़ाती रहेगी। लेकिन इसके बाद हम एक बात तो हम देखेंगे वो फुली मैनुअल है, उसमें आप खुद थिकनेस के हिसाब से ऊपर करते जाते हो, अगर नहीं करोगे तो वो फिर सेक्शन दूसरे वाला कट नहीं हो सकेगा। तो इसमें अभी आप देखोगे ना वो जल्दी जल्दी ऐसे कहते हैं रफली मशीन का ऊपर का जो पार्ट है उसको मूव करा रही है तो उससे सेक्शन ऐसे कट हो रहा है ऊपर से एक्स्ट्रा वैक्स, इसको कहते हैं ट्रिमिंग। और जब वो ट्रिमिंग कर लेती है तो वो थोड़ा सा ब्लेड को इस तरह अरेंज करती है तो जैसे इस ब्लेड की बिल्कुल हमारे वाले साइड से वो ट्रिमिंग होगी रफ साइड से, फिर जब वो सेक्शन करने लगेगी तो वो बिल्कुल अच्छे वाली साइड ब्लेड की फिक्स करके फिर वहां से टिश्यू का सेक्शन लेती जाएगी। तो अब ये देखिएगा ये ट्रिमिंग हो रही है आगे पीछे करके अब लो खुद ऊपर बढ़ता है टॉप के बाद ब्रशेज यूज होते हैं। अच्छा अभी आप फ्री तो ये देखो ट्रिमिंग के बाद उसने ब्लेड की वो वाली साइड को फिक्स किया और अब ये सेक्शन लेगा, ये देखो ये सेक्शन एक और ये है हॉट वाटर बारिश का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा लो लेकिन थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से हाई होता है तो इसमें अगर कोई रिंकल प्रोड्यूस हो रहा है तो वो फ्लैट हो जाए सेक्शन फ्लैट से दिया जा सके। अच्छा तो ये देखिए इस तरह सेक्शन का प्रोसेस है इसमें, तो इसमें ना एक साथ खाली सेक्शन का वो पूरा एक स्टड नहीं बनता रोल नहीं बनता। तो ये देखो अब आपको नजर भी आ रहा होगा कि रिंकल क्या चीज होते हैं वो जो बीच में बन रहे हैं। तो असल मकसद ये होता है इतनी देर तक में रखने होते हैं इतना टेम्परेचर सेट होना चाहिए कि ये रिंकल खत्म हो जाए। तो वाटर बाथ कितनी यूज हो रहा है मैंने अभी एक वीडियो देखी थी वो बहुत अच्छा था वो बंदा हाँ तो ये वाला देखें ये भी एक बेस लग माइक्रोटोन माइक्रोटोन तो ये पुराने वाली कार से अब तो बड़ी जबरदस्त वाली आ गई है। तो ये शक्लें और कंपनियों के जैसे काफी तरह के टूल लगेंगे देखते हैं भारी बर्तन का फिक्स हुआ हुआ है और इसके ऊपर वो एक टिश्यू का सेक्शन फिक्स है और ये ऊपर वाला जो रनर है उसको आपने एंगल में खड़ा करके उसको आगे पीछे मूव करना सेक्शन कट होने वो जो ब्लेड है उसका एंगल बदलने वाला आप लोगों को बताओ कितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना उनकी लेवलिंग भी हो जाती है तब जैसे इससे तो बाहर लगे हुए लेवल और कुछ कहना जिन वो जिन चीजों की वजह से ना वो टेबल पर रखा जाता है उसके नीचे वो घुमाने वाले बने होते हैं आप इसको घुमा के क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज में उसका लेवल सेट किया करते हो और फिर इसके अंदर काफी सारे वो प्रोब्स हैं जिसकी वजह से आप उसको आगे पीछे
नीचे ऊपर खड़ा कर सकते हो, तो ये देखो सर इसको हटाओ। और अब ये जनाब वो मैंने पता नहीं अभी वीडियो देखी है, ये बड़ी अच्छी सी थी। प्रैक्टिकल भी होंगे हमारे यूनिवर्सिटी में, यहाँ कोई ये चीजें है पर बाहर ही कहीं लैब पे लगवा दें हमें, या कहीं पर एक दो दफा करा दें। ये तो अलग सवाल मार्कस को का हो रहा है, ये नहीं है, लेकिन अभी वो जब हम अभी वो वीडियो देखी है बड़ी जगह अच्छी थी, तो बंदा मार्कस कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। शादी की है जी, रोटरी माइक्रोसॉफ्ट में इसमें जो डिस्पोजेबल ब्लेड लगते हैं। ये ब्लैक वाली स्लेब काफी क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर कुछ भी होगा ना हमारा टिश्यू का सेक्शन चिपक जाएगा। ये देखो आगे पीछे बाएं बाएं और इसका एंगल सब बदला जा सकता है। ये करके तो नाइट का एंगल भी क्या हो, इसकी ट्रेनिंग इस तरह हो रही है। बेस्ट के अंदर इतना पूरी एक स्टेट नहीं बनती, वो एक एक होता है। तो ये वैसे बात में डाला जिसका क्या टेम्परेचर हाई है 37 के करीब। सर ट्रिमिंग से पहले उसने क्यों वाटर बाथ में डाला था पता नहीं, वो तो मेरा ख्याल है उसने क्या है कि एक सेक्शन की ट्रिमिंग करके पता नहीं उसको स्टोर कर लिया और रख दिया था उसने, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं। और ये माइक्रोस्कोप
अच्छा सही है अटेंडेंस डॉक्टर समरा की तरह अटेंडेंस लगा हुआ आज हेलो जी सर आज डॉक्टर समरा की तरह अटेंडेंस लगाते हैं आप लोगों की शिकायत नहीं होगी कि मैं अटेंडेंस लगाता हूँ लगाता मैंने आप लोगों की अटेंडेंस खराब कर दी तो ये देखो अभी नहीं अभी मैंने किसी से नहीं पूछा कि वो प्रॉब्लम कैसे लेंगे तो मैं